खाना खाने के बाद एक आंवले का मुरब्बा खाइए, हेल्थ के साथ साथ अपने मुंह का भी टेस्ट बढ़ाइए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। बिना चीनी बिना गुड़ के बहुत ही टेस्टी सा और जूसी सा आंवले का मुरब्बा, और बहुत ही कम समय में झटपट से बनाएंगे, ना ही फटकरी और ना ही चूने का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है हमारा आंवले का मुरब्बा। प्लीज़ फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं आंवले के मुरब्बे की रेसिपी। मैंने आधा किलो आंवला लिया है। आंवले को मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो लिया और ये आंवले में पत्ते का दाग है। अब हम कांटे वाली चम्मच की मदद से आंवलों की चारों तरफ छेद कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें आंवलों को घुमा घुमा कर चारों तरफ आंवले के छेद कर लेना है, तभी हमारा आंवले का मुरब्बा जूसी सा बनेगा। इस तरीके से हमें कार्टिज वाली चम्मच की मदद से सारे आंवले पे छेद कर लेना है। सारे आंवले में मैंने छेद कर लिया है। अब मैंने पानी गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। अब हम सारे आंवले को गर्म पानी में डाल देते हैं। फिटकरी या चूने का हमें किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आंवले को हमें आधा घंटा से 45 मिनट तक बॉयल होने देना है। और अब हम ढक्कन लगाकर आंवले को बॉईल होने देते हैं। देखिए हमारा आंवला बॉईल हो चुका है अच्छी तरीके से। अब आंवले को निकाल कर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंवला अच्छे से पका है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से हमारा आंवला पक चुका है। अब हम सारे आंवले को प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी तरीके से हमारा आंवला बॉईल हुआ है। सारे आंवले को मैंने प्लेट पे निकाल लिया है और ये आंवले का जूस है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में स्टोर करके रखें और सुबह खाली पेट में पी भी सकते हैं। हम धागे वाली मिस्री का इस्तेमाल करेंगे। चीनी या गुड़ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीनी कितनी रिफाइंड होती है और हमारे शरीर के लिए अच्छी भी नहीं होती, और धागे वाली मिस्री का बेनिफिट तो बहुत सारा है, इसलिए मैंने धागे वाली मिस्री का इस्तेमाल किया। इसे हम इस तरीके से, धागे वाली मिस्री को हम मंदस्ते पे इस तरीके से तोड़ लेते हैं। आप चाहे तो चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मिस्री को आप मिक्सी ग्राइंडर में भी आप ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने मंदस्ते पे ही सारे मिश्रे को मैंने मंदस्ते में तोड़ लिया है। थोड़ा सा पानी मैंने गर्म होने के लिए रखा था। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब हम मिश्रे को डाल देते हैं। मिश्रे वाले पानी में बॉईल आ गया है। अब हम अपने सारे आंवले को डाल देते हैं। ढक्कन को हम बंद कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आंवले के मुरब्बे में कितने अच्छी तरीके से उबाल आने लगा है। जब तक हमारे आंवले के मुरब्बे का कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हमें ऐसे ही पकाना है। और आंवले के मुरब्बे को और भी टेस्टी बनाने के लिए एक मसाला बना लेते हैं। मैंने एक चम्मच सौंफ लिया है। सौंफ को हम मंदस्ते पे अच्छे से क्रश कर लेते हैं। यदि आपको सौंफ का टेस्ट ना पसंद हो तो आप इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ का पाउडर बन गया है। अब हम 1.5 चम्मच सौंफ डाल देते हैं। सौंफ के बेनिफिट तो आप सभी जानते हैं। हमें सौंफ और मिश्री दोनों का इस्तेमाल किया और इसमें आंवला भी है। सोचिए कि कितना हेल्दी मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है। अब हम 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और कि हमें स्वाद के साथ साथ हमें सेहत भी देगा ये आंवले का मुरब्बा। आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छी तरीके से हम आंवले के मुरब्बे में उबाल आने देते हैं। आंवले के मुरब्बे का कलर चेंज हो गया है। आंवले में अच्छे से उबाल आ चुका है। बनकर तैयार है हमारा आंवले का मुरब्बा। देखिए हमारे आंवले का मुरब्बा कितना टेस्टी और जूसी लग रहा है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।